Hello students, welcome back. Dear students, how are you all? In the last video, we had learned about Varna Mala. It means alphabets. Now today, we are going to know about the ling Parichay. Means introduction of gender. Now let's begin. Let's see the definition of gender. Lingam ki paribhasha. Lingam means gender. शब्दों के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्त्री पुरुष या अन्य रूप में होने का पता चलता है उसे लिंगम कहा जाता है. शब्द का जो रूप हमें स्त्री पुरुष या अन्य रूप का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंगम means gender. बच्चों, क्या आप जानते हैं संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ जेंडर. आओ सीखे लिंगम. फर्स्ट टाइप ऑफ जेंडर इज पुलिंगम मीन्स मस्कुलाइन जेंडर बालक नृप. सेकेंड टाइप ऑफ जेंडर इज स्त्रीलिंगम मीन्स फेमिनाइन जेंडर गायिका शिक्षिका. थर्ड टाइप ऑफ जेंडर इज नपुंसकलिंगम मीन्स न्यूटर जेंडर फलम मंदिरम. चलिए इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है. पुल्लिंग शब्दाः मीन्स मस्कुलाइन जेंडर. शब्दों का वह रूप जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंगम कहते हैं. जैसे कि गायक सिंगर बाल बॉय वानर मंकी नृप किंग. ये सभी शब्दों के रूप हमें किस जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का. इसलिए जो शब्द का रूप हमें पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग शब्दः मीन्स मस्कुलाइन जेंडर. सेकेंड टाइप ऑफ जेंडर इज स्त्रीलिंग शब्दः मीन्स फेमिनाइन जेंडर. शब्दों का वह रूप जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंगम कहते हैं. जैसे कि बाला गर्ल पुस्तिका बुक शिक्षिका टीचर. ये सभी शब्दों के रूप हमें किस जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराए. इसी प्रकार जो शब्द के रूप हमें स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंगम शब्दः मीन्स फेमिनाइन जेंडर. थर्ड टाइप ऑफ जेंडर इज नपुंसकलिंग शब्दः मीन्स न्यूटर जेंडर. शब्दों के जिस रूप से न पुरुष और न स्त्री जाति का बोध होता है उसे नपुंसकलिंगम कहते हैं. जैसे कि पत्रम लेटर गृहम होम मंदिरम टेम्पल नयनम आइस. ये सभी शब्दों के रूप हमें न पुरुष न स्त्री जाति का बल्कि अन्य जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग शब्दः मीन्स न्यूटर जेंडर. पाठ सारः. इस पाठ का मूल उद्देश्य संस्कृत के तीनों लिंगों का सामान्य परिचय कराना है. पुल्लिंग शब्दों से पुरुष जाति, स्त्रीलिंग शब्दों से स्त्री जाति और नपुंसकलिंग शब्दों से प्रायः सामान्य वस्तु यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स का बोध होता है. व्याकरणम. शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंगम कहते हैं मीन्स मस्कुलाइन जेंडर. शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंगम कहते हैं मीन्स फेमिनाइन जेंडर. और शब्दों के जिस रूप से न पुरुष और न स्त्री जाति का बोध होता है उसे नपुंसकलिंगम कहते हैं. इस प्रकार हमारे संस्कृत में लिंग के कितने प्रकार होते हैं, 3. फर्स्ट टाइप ऑफ जेंडर इज पुल्लिंग शब्दः मीन्स मस्कुलाइन जेंडर. सेकेंड टाइप ऑफ जेंडर इज स्त्रीलिंग शब्दः मीन्स फेमिनाइन जेंडर. और थर्ड टाइप ऑफ जेंडर इज नपुंसकलिंगम शब्दः मीन्स न्यूटर जेंडर. So, my dear students, I hope you understand this Ling Parichay chapter very well. Thank you so much. We will continue our learning in next video. Till then, stay happy, stay healthy. See you soon.